बाप का, दादा का, भाई का, अम्मा का। अम्मा का जी हाँ, अम्मा का। भाई फैजल खान जा चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आ चुकी है हड्डी। जी हाँ, Z5 की एक मूवी आने वाली है 7 सितंबर को, और यहाँ पे उसका आ चुका है ऑफिशियल ट्रेलर, जिसमें हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी दिखेंगे एक बहुत ही अलग अवतार में। आपने पहले इनका फर्स्ट लुक तो देख लिया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सरप्राइज थे कि ये सचमुच नवाज है, भाई हमें तो पहचान में नहीं आ रहे। तो उनका ट्रेलर आ चुका है, और ट्रेलर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे क्या क्या चीजें अच्छी हो सकती है और मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है इस मूवी से। सबसे पहले स्टोरी लाइन के बारे में बात कर ले, भाई स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें नवाज एक डायलॉग भी बोलते हैं कि बेसिकली एक ट्रांसजेंडर का रोल यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो वहां पे वो कहते हुए कि हमारी दुआएं अच्छी होती हैं, हमारी जो बद्दुआ होती है वो थोड़ी खराब होती है, मगर जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है वो होता है हमारा बदला। बदले से आपको याद होगा एक मूवी आई थी पुरानी लक्ष्मी करके, जिसमें अक्षय कुमार भी थे, वहां पे ट्रांसजेंडर का ही रोल था और वो भी बदला लेती है वहां पे। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे है। ट्रेलर में हमें देखने को मिला कि वो अपनी अम्मा को बेसिकली बचाने के लिए कुछ ऐसी गतिविधियों में लग जाते हैं, ऊपर से फिर जब उनकी अम्मा ही नहीं रहती है तो वहां से फिर वो बदला लेने की कोशिश करते हैं। किस हिसाब से होता है, क्या होता है, पूरी स्टोरी अभी हमें यहाँ पे पता नहीं है, मगर मेजर मेजर जो इंस्टांसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट यहाँ पे स्टोरी लाइन की बात होगी, दूसरा पॉइंट यहाँ पे भाई एक्टर से भरा हुआ है। नवाज तो यहाँ पे है ही, ऊपर से उनके जो अपोजिट में है वो भाई वो अलग ही इंसान है, वो है अनुराग कश्यप। डायरेक्शन में उनका हाथ बहुत तगड़ा है, मगर जब वो एक्टिंग करते हैं तो भाई वहां पे भी उनका गेम बहुत अच्छा यहाँ पे जाता है, क्योंकि अनुराग कश्यप यहाँ पे हमें एक नेगेटिव रोल में दिखेंगे, और जिनसे मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि नवाज बदला लेने वाला है यहाँ पे। तो बहुत ही मजेदार ये लड़ाई होगी कि भाई दोनों पक्षों के बीच में इस हिसाब से क्या ट्विस्ट होते हैं, क्या टर्न्स होते हैं और क्लाइमेक्स होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली एक मूवी है, तो मूवी में आपको पता चल जाएगा पूरा का पूरा, एंड तक कोई सस्पेंस नहीं छूटेगा, और नवाज की परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने लायक होगी। तीसरी बात अगर मैं एक्ट्रेस के बारे में करूँ, तो यहाँ पे अनुराग कश्यप तो है ही, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी है। अब अनुराग कश्यप जो रोल पोर्ट्रे करेंगे वो होगा प्रमोद अहलावत का, नवाज सिद्दीकी जो है वो है हड्डी, जो मेजरली टाइटल है। इसके साथ साथ में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, जो अम्मा का रोल करने वाली है वो है ईला अरुण, उसके साथ साथ में राजेश कुमार, सौरभ सचदेवा, मोहम्मद जीशान आयुब जैसे बड़े बड़े कलाकार हैं यहाँ पे। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको बिल्कुल यहाँ पे कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ में खाली एक एक्सपेक्टेशन मेरी और ज्यादा बढ़ जाती है कि टॉपिक बहुत ज्यादा अलग है, अगर उस हिसाब से एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं तो मजा आने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने एक ट्रांसजेंडर वाली सीरीज देखी थी वो है ताली, जिसमें सुष्मिता सेन ने बहुत अच्छा काम करा था। अब ये मूवी आने वाली है नवाज की, नवाज की एक्टिंग के बारे में तो हम सब जानते हैं, उसके बारे में कोई भी हमें शक नहीं है, मगर अगर स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा अच्छी होगी इसकी तो ये वन ऑफ द बेस्ट मूवीज हो सकती है 2023 की, जो कि OTT प्लेटफॉर्म पे आई हो। तो यार ये रहा ऑफिशियल डेट, 7 सितंबर डेट मार्क कर लीजिए, तब आने वाली है मूवी Z5 पे। आप देखिएगा, मैं देखूंगा, दोनों मजे लेंगे कि भाई क्या मूवी में था क्या नहीं था, तब करेंगे इसके बारे में बात। तो यार वीडियो इतने तक ही थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर हमारा कंटेंट आपको ज्यादा पसंद आता है और मैं आपको पसंद आता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, या फिर नवाज आपको कैसे लगते हैं, कोई भी चीज होगी अपने दिल की बात आप लिख सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। तो बस यार इतनी थी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।